जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट लगातार जारी है। जहां एक और गहलोत खेमा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहता, तो वहीं आला कमान ने भी अपना रुख कड़ा कर पायलट और गहलोत दोनों को दिल्ली तलब कर लिया है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर राजस्थान पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ेगा। गहलोत खेमे के विधायकों ने पर्यवेक्षकों से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोनिया ने दोनों को वापस दिल्ली लौटकर रिपोर्ट देने को कहा है। अशोक गहलोत का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनना तय है, ये तो आम आदमी जानता है। एक बच्चे से पूछेंगे ना तो वो भी बता देगा, कितना एपिसोड होने के बाद में गुंजाइश नहीं बनती। वही कांग्रेस के अंतर्कलह पर पीएल पुनिया का कहना है कि व्यक्ति को ही पद मिलेगा, लिहाजा गहलोत को सीएम पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में एक अनार और 100 बीमार वाला हाल है। वन मैन वन पोस्ट, एक जो नेता होगा वो एक ही पद होगा। अगर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाएंगे तो दूसरा पद छोड़ना होगा। कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है, एक अनार 100 बीमार। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी रण से पार्टी आला कमान नाराज है। प्रस्ताव पर शर्त को अनुशासनहीनता बता रही है। रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। अब देखना होगा कि गहलोत खेमे की इस खुली चुनौती पर हाईकमान का क्या फैसला होगा।